और इसी बीच बड़ी जानकारी रैगिंग से जुड़ी हुई। रायपुर के पंडित नेहरू स्मृति कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। रैगिंग के आरोप में दो सीनियर स्टूडेंट सस्पेंड किए गए हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग की गई। स्टूडेंट्स के बवाल आपको बताते चले कि स्टूडेंट्स के बाल सामूहिक रूप से मुड़वाने का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। हॉस्टल में सीनियर्स पर प्रताड़ित करने का भी आरोप है। शिकायत सही पाए जाने पर दो सीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी निलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। निलेश, अभी भी रैगिंग जैसी स्थिति देखने को मिलती है कॉलेजों में और ये एक और मामला। देखिए, रैगिंग जैसी स्थिति ही सिर्फ नहीं है बल्कि इसके प्रमाणित है कि 50 से ज्यादा बच्चों के, फर्स्ट ईयर के बच्चों के सिर मुड़वा दिए गए। और इसके अलावा जो हमारे पास सोर्सेज से जानकारी है उसके मुताबिक जो लड़कियां थी, गर्ल्स स्टूडेंट थी, उनको इस तरह के आदेश थे कि वो इतना तेल अपने बाल में लगाएं कि बाल एकदम चिपका नजर आए, बिल्कुल उड़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए एक भी बाल उनका, इस तरह से उनको आदेश थे। और इसके अलावा हॉस्टल में जो मेल स्टूडेंट थे उनके साथ मारपीट भी रोज की जाती थी, इसकी भी शिकायत सोर्सेज से जो हमको जानकारी मिली है इसकी भी शिकायत की गई थी। और ये घटना जो है ये 13 अक्टूबर की है। 13 अक्टूबर से पहले लगातार इस तरह के प्रताड़ित किए जा रहे थे और 13 अक्टूबर को इस मामले में एंटी रैगिंग कमेटी जो है मेडिकल कॉलेज की, उसको शिकायत दी गई थी। लगभग एक महीने की जांच की गई, 20 दिन की जांच के बाद 4 नवंबर को इसमें जो है फिर दो छात्रों को अभी तक सस्पेंड करने की जानकारी है जिसका प्रमाण हमारे पास है। इसके अलावा कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा जब मेरे डीन से बात हो रही थी, मेडिकल कॉलेज के डीन से, तो उन्होंने कहा कि हम अभी जांच कर रहे हैं और इस मामले में और भी कार्रवाइयां हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिन तक अगर एक साथ 50 से ज्यादा बच्चे सिर मुड़वाए नजर आए कॉलेज में और कॉलेज प्रबंधन इस पर ध्यान न दे, इंतजार करता रहे कि शिकायत होगी तब आगे कार्रवाई होगी, तो ये कॉलेज प्रबंधन की अपनी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर किस तरह से सह मिला हुआ है सीनियर स्टूडेंट को कॉलेज प्रबंधन द्वारा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो एंटी रैगिंग कमेटी बनाई हुई है वो मात्र एक फॉर्मेलिटी यहाँ इस कॉलेज पे नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब लगातार शिकायत हो रही थी और शिकायत इस स्तर पे हुई कि ये बात जो एंटी रैगिंग सेल के तौर पर जो काम करने वाली संस्थाएं हैं देश भर में उन तक गई और वहां से फिर शिकायत आया कॉलेज प्रबंधन के पास, बातचीत की गई कि आपके यहाँ आपके कॉलेज में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उस पर अंकुश लगाइए। तो जो व्यापक सोर्सेस मुझे जानकारी मिली, शुरुआती दौर में तो बहुत ही टाल मटोल वाला रवैया अपनाया गया, लेकिन बाद में जब लगातार शिकायतें होने लगी और जब उससे पूछताछ की जाने लगी तब जाकर इसमें एक जांच कमेटी बनाई गई और अब जाकर निर्णय लिया गया है। इसमें दो छात्रों को जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं एमबीबीएस के उनको सस्पेंड किया गया। बिल्कुल, अब देखना होगा और कितने स्टूडेंट्स पर यहाँ पर गाज गिरती है और कब तक कार्रवाई की जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निलेश तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खरगोन के पेनपुर थाना की रहने वाली मनीषा ने साल 2019 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन किया था। मेरिट के आधार पर मनीषा का चयन पहले नंबर पर हुआ था, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि मूल अंक सूची में छेड़छाड़ कर 100 अंक बढ़ाए गए थे। महिला बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर जिला पंचायत की जांच में कक्षा 12वीं की अंक सूची में छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाने का खुलासा हुआ है। गोगावा पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में रास्ते को लेकर बवाल मचा है और आपको बताते चले कि रास्ते के विवाद में एक की मौत हो गई है और एक महिला घायल हो गई है। रास्ते को लेकर चाचा भतीजे में मारपीट हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नर्मदापुरम से ये बड़ी खबर है जहां सिवनी मालवा में रास्ते को लेकर बवाल मचा, रास्ते के विवाद में एक की मौत भी हो गई और एक महिला घायल बताई जा रही है। तो उधर रास्ते को लेकर चाचा भतीजे में मारपीट हुई, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, मामला दर्ज कर दिया गया है, जांच की जा रही है।